नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। हाईवे पर मंडरा रहे सफेद बादल, ड्राइवर आए चपेट में, ट्रकों के नीचे घुसती गाड़ियां हुई कबाड़। दोस्तों, हाईवे पर सवेरे सवेरे एक जबरदस्त हादसा हो गया। जी हाँ, 3 दिसंबर तकरीबन सुबह 6 बजे 8 गाड़ियां एक के बाद एक टकरा गई। जी हाँ, खिलौनों की तरह टकराती गई और कबाड़ बनती गई। भाई 5-6 गाड़ियां लगी हैं धुंध के कारण ही है। जो होगा ड्राइवर का सहारनपुर रोड पर मेरे भाई 6-7 गड्डियों का कट्ठा एक्सीडेंट हो रहा है धुंध के चक्कर में। धुंध में धुंध बहुत ज्यादा है भाई, थोड़ा धुंध में मेरे भी ध्यान दे। दोस्तों, आप जानते ही हैं सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं और दिसंबर का महीना है, ऐसे में हाईवे पर चलना और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि हाईवे पर एक सफेद चादर सी बिछ जाती है जो ड्राइवरों को अपनी चपेट में ले लेती है, या यूं कहें उनके आते ही ड्राइवरों को ऐसा लगता है मानो दिखना बंद हो जाता है, और इसकी चपेट में आकर हो जाती है वो गलती जो किसी से नहीं होनी चाहिए। गाड़ियां अनकंट्रोल हो जाती हैं, ब्रेक पर पैर जाता है और अचानक एक के बाद एक गाड़ियां इस तरह ही टकराती हैं जैसी इस वीडियो में आपको दिख रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से एक के बाद एक गाड़ियां टकराई हुई हैं और गाड़ियों की हालत भी आप देख सकते हैं, लगभग कबाड़ हो गई है। देख सकते हैं एक डंपर के पीछे पिकअप तो ऐसी घुसी कि इसको देखकर आपको लगेगा कि इसके ड्राइवर के साथ क्या हुआ होगा। आगे का कैबिन बिल्कुल चकनाचूर है। अब आप ही अंदाजा लगाइए इसमें बैठे ड्राइवर के साथ क्या हुआ होगा। 3 दिसंबर की सुबह 6 बजे गगलहरी उत्तर प्रदेश में यह हादसा हुआ है, सहारनपुर देहरादून रोड बताया जा रहा है। हादसा तो बहुत बुरा और बड़ा हुआ, लेकिन गनीमत है कि इसमें किसी की जान नहीं गई। हाँ, कुछ लोग बुरी तरह से जख्मी जरूर हुए हैं। खासकर इस पिकअप के ड्राइवर की बात करें तो इसके सर पर चोटें ज्यादा आई हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने कहा, सर्दियों ने दस्तक दे दी और इस तरह की सफेद चादर अब आपको लगभग हर हाईवे पर मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा अपना इंतजाम कर लें। सर्दियों में फॉग लाइट जो आती है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करें, और हाँ, स्पीड में तो बिल्कुल ना चलें। अगर विजिबिलिटी है तभी आप निर्धारित गति सीमा में चलें, वो भी तब जब विजिबिलिटी क्लियर हो। अगर विजिबिलिटी नहीं है तो बहुत संभल कर, बहुत होशियार होकर, सतर्क होकर चलें। अगली गाड़ी से डिस्टेंस बनाए रखें ताकि कोई भी ऐसी स्थिति ना बने जहां पर यह हाल हो जो इस वीडियो में हुआ है। आपके मंगलमय सफर की ट्रांसपोर्ट टीवी कामना करता है और आपको सतर्क होना पड़ेगा। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। आज से कुछ साल पहले RTO जो भी कहता था, जो भी मांगता था उसे देना पड़ता था, क्योंकि ड्राइवरों को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के बाद में हर ड्राइवर को जानकारी मिली है और वो गलत होने पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं। ये सब ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल की वजह से हुआ है। ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल पूरे देश में एक क्रांति की तरह है। मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो ड्राइवरों के लिए बोलते हैं, ड्राइवरों को बताते हैं उनके हक, वो कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। और मेरे दूसरे ड्राइवर भाइयों से भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, जिससे आपको जानकारी और लाभकारी मिलेगी। ट्रांसपोर्ट टीवी, वेरी वेरी धन्यवाद।